हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के, यानी सीडीएसएल की। सीडीएसएल में यहाँ पे पिछले अगर सेशन की बात करें तो 2.45% की फॉल देखने को मिला है। 1434 रुपये पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। लेकिन रिटर्न की अगर हम बात करें तो 6 महीने के अंदर अंदर 35% का रिटर्न बना के दिया है। 1 साल में 121% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 1277% का रिटर्न ऑलरेडी बना के दे चुका है दोस्तों। तो सीडीएसएल के अंदर अगर आपकी एक तरह से इन्वेस्टमेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर हम बात करें इस वीडियोस के अंदर तो यहाँ पे सबसे पहले जो अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे कंपनी Q2 क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आज की डेट में पब्लिश कर रही है। तो यहाँ पे Q2 क्वार्टर के रिजल्ट्स में यहाँ पे कंपनी अगर प्रॉफिट में बहुत अच्छा जंप दिखाती है तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा दोस्तों। यहाँ पे सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जो एक तरह से आपको डीमेट अकाउंट ओपन करते होंगे तो सीडीएसएल का नाम जरूर आता होगा। और यहाँ पे डीमेट अकाउंट जब ओपन करते हैं तो जितने भी डीमेट अकाउंट ओपन होंगे सीडीएसएल को उतना ही ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा दोस्तों। बेसिकली अगर आप देखें तो ये कंपनी एक तरह से बात करें तो इंडियन सेंट्रल सिक्योरिटी डिपोजिटरी से रिलेटेड काम करती हुई नजर आती है और लार्जेस्ट डिपोजिटरी कंपनी है सीडीएसएल खास करके। लेकिन यहाँ पे एनएसडीएल करके भी जो नाम आता है, जो नेशनल सिक्योरिटी एक तरह से डिपोजिटरी कंपनी है। और यहाँ पे एक तरह से सीडीएसएल का सबसे ज़्यादा यूज होता है, खास करके अगर हम बात करें तो इनके पास जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं 2024 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 335 लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इससे पहले हम बात करें, सारी चीज़ें हम आपके साथ साझा करें, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को यहाँ पे अधिक से अधिक लाइक करें, थम्स अप कर दें दोस्तों, और यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोज़ को शेयर करके चले। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इतना जरूर कहूँगा कि आप अपने एनालिसिस के आधार पे ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें या अपने फिनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें दोस्तों। दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले अब बात करते हैं सीडीएसएल की और समझते हैं सीडीएसएल के अबाउट और कंपनी का जो Q2 क्वार्टर का रिजल्ट है वो किस प्रकार से देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम चाहते हैं यहाँ पे स्क्रीन और डॉट इन पे आ चुके हैं। और यहाँ पे सीडीएसएल की अगर हम बात करें तो 29,657 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है इस कंपनी का। 29,000 एक तरह से देखें तो यहाँ पे मिड कैप की कंपनी बन चुकी है। और यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी की बात करें तो 40% का देखने को मिलता है, जो बहुत ही अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 31% का है और स्टॉक के पी की बात करें तो 61 पे और इंडस्ट्री के पी की बात करें तो 60 पे। तो इनकी पी दोनों एक तरह से बैलेंस करके चल रही है, जितनी इंडस्ट्री के पी उतनी के करीब ही स्टॉक के पी आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे ईपीएस की, तो ईपीएस यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है 23 रुपया का फिलहाल है। 1359 करोड़ का इनके पास रिजर्व्स देखने को मिल रहा है। 1,36,00,000 का मात्र कर्ज है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कह सकते हैं डेप्ट इक्विटी बिल्कुल जीरो है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं वो कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी, कंपनी के ऊपर कर्ज ना के बराबर है। लेकिन यहाँ पे डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर को देती हुई नजर आती है। अब अगर हम बात करें इसकी फेस वैल्यू की तो फेस वैल्यू 10 रुपया का, यानी मतलब स्टॉक स्प्लिट इस कंपनी का नहीं हुआ है। लेकिन रिसेंटली आपने देखा होगा कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को बोनस दिया था। इसकी शेयर प्राइस आपको सीडीएसएल का 2500-2600 देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पे कंपनी ने बोनस दिया जिसकी वजह से इनकी प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिला है। तो वापस ये स्टॉक है जो जा सकता है 2500-2600 रुपया तक पहुँच सकता है। तो इससे आपको एक बड़ा फायदा देखने को मिलेगा कि यहाँ से रिटर्न आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगा। पेट्रोस्की स्कोर की बात करें तो 7 की रेटिंग दिया गया है दोस्तों। फिलहाल पेट्रोस्की स्कोर 7 की रेटिंग काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। यहाँ पे FIs एंड DIs की अच्छी खासी होल्डिंग भी देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें इस कंपनी की जो बेसिकली क्वार्टरली रिजल्ट्स है, यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी कंपनी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आती है दोस्तों। अगर हम बात करें 134 करोड़ का कंपनी ने जून क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया था, नेट प्रॉफिट किया था। 257 करोड़ का सेल्स कंपनी करती हुई नजर आती है। 60% का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला था। लेकिन अगर हम बात करें 2023 की तो 74 करोड़ से
34 करोड़ कंपनी का एक तरह से नेट प्रॉफिट में बड़ा उछाल है। इसके साथ साथ अगर आप देखिए 150 करोड़ से सेल्स बढ़ के 257 करोड़, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे भी उछाल देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसमें भी आपको बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। तो सेम चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पे सितंबर 2023 की अगर हम बात करें तो 109 करोड़ से इनकी जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी, करीब करीब 130 करोड़ के करीब करीब आपको देखने को मिल ही सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 207 करोड़ का जो यहाँ पे सेल्स है, करीब करीब यहाँ पे 250 करोड़ से प्लस यहाँ पे सेल्स होता हुआ नजर आ सकता है, और इनकी जो मार्जिन है उसमें भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर आप देखें तो आज के डेट में अपकमिंग रिजल्ट्स डेट दिया गया, आज के डेट में कंपनी Q2 क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश करती हुई नजर आती है। तो यहाँ पे कंपनी एक तरह से जो रिजल्ट पब्लिश करेगी तो यहाँ पे उस टाइम पे आपको इस स्टॉक को एक तरह से देखना बहुत जरूरी हो जाता है, और ये वीडियोस को पूरा देख लीजिएगा तो आपको मोस्टली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर में जो एक तरह से प्रमोटर है वो इनके पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, 15% का मात्र होल्डिंग देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे FIS हैं जो अपनी होल्डिंग अच्छी खासी रखे हुए हैं, DIS के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है, लेकिन जो मेजॉरिटी स्टेक आपको देखने को मिल रहा है 49.66% का वो पब्लिक के पास है। तो ज्यादा से ज्यादा स्टेक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पब्लिक ने अपने पास रख रखे हैं, पब्लिक के पास ज्यादा स्टेक है फिलहाल तो। लेकिन बैलेंस शीट कंपनी का शानदार है, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग कंपनी नजर आती है, प्रमोटर नहीं है लेकिन यहाँ पे इनकी स्ट्रांग परजेंस आपको देखने को मिल रहा है। रिजर्व्स कंटिन्यू कंपनी बढ़ा रही है, CWIP में भी वर्क में पैसे लगा रही है, इन्वेस्टमेंट भी कंटिन्यू करती हुई दिखाई दे रही है, जिससे यहाँ पे कंपनी के टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। कंटिन्यू इनकी टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है जो बढ़ती हुई नजर आती है। दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी की CDSL की, तो CDSL के अंदर अगर आप देखोगे तो बेसिकली एक कंपनी बिजनेस ओवरव्यूज देखना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि बिजनेस बेसिकली करती है किस तरीके से। तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो जो आप स्टॉक सेल करते हैं या परचेस करते हैं उनमें से माइनर अमाउंट में एक तरह से परसेंटेज लेती है, जिसके बहुत कम परसेंटेज अगर हम बात करें 0.005% इस तरीके से चीज़ें लेती है। और यहाँ पे CDSL बेसिकली फैसिलेट्स करती होल्डिंग एंड ट्रांजेक्शन सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ फैसिलिटीज सेटलमेंट ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, द सिक्योरिटी इंक्लूड द इक्विटीज डिवेंचर्स बॉन्ड यूनिट्स म्यूचुअल फंड, इन सारी चीज़ों में करती है, ना कि इक्विटी में सिर्फ करती है, इन सारी चीज़ों में इनका एक तरह से बहुत बड़ा रोल नजर आता है, जिससे यहाँ पे इनको इस कंपनी को फायदा होता हुआ नजर आता है। जितने भी यहाँ पे नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट ओपन होंगे उसमें यहाँ पे CDSL को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा दोस्तों। तो दोस्तों इन्वेस्ट इन ONDC में भी यहाँ पे कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, CDSL हैज इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन ONDC बाय 100 करोड़ इन फरवरी 2024 में देखने को मिला है, जिसमें 1.54% इक्विटी स्टेक एक कंपनी लेती हुई नजर आई है। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।